प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन करने के साथ ही देश के नए संसद भवन की आधारशिला रख नया इतिहास रच दिया। नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह में सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्मों के धर्म गुरु मौजूद रहे, जिन्होंने प्रार्थना की। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम आरंभ हुआ और इसके संपन्न होने के बाद शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने परंपरागत विधि विधान के साथ आधारशिला रखी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। चार मंजिला नए संसद भवन का निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ तक पूरा करने का लक्ष्य है, यानी संसद भवन अगस्त 2022 तक तैयार होगा। सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। कैसा होगा नया संसद भवन? चार मंजिला नए संसद भवन का निर्माण कैसा होगा नया संसद भवन? चार मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है। नया संसद भवन अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त होगा। सोलर सिस्टम से ऊर्जा बचत भी होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी होगी और राज्यसभा के आकार में भी बढ़ोतरी होगी। संयुक्त सत्र के दौरान इसमें 1,224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। ये नया संसद भवन न केवल पुराने भवन से बड़ा होगा बल्कि इसका आकार भी गोल न होकर त्रिभुज के आकार का होगा। कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और बड़ी संख्या में कई सांसद और कई देशों के राजदूत भी इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।